महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए एक बहुत बुरी खबर आज आई है। अशोक चव्हाण ने कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया। अशोक चव्हाण ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बीजेपी से राज्यसभा वो जा सकते हैं, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक चव्हाण, उन्होंने कहा हालांकि कि कहीं शामिल होने का फैसला नहीं किया है। पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज एमएलए, वो सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा था? कोई मजबूरी की कोई। अशोक चव्हाण जैसे नेता, पुराने नेता, दिग्गज नेता मुख्यमंत्री रहे, उनका यूं कांग्रेस का दामन छोड़कर जाना कितना बड़ा झटका है पार्टी के लिए। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने वाली आज एक खबर आई है और उससे एक सवाल खड़ा हो गया कि महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही है? तीसरा झटका देखिए कांग्रेस को कैसे लगा। अशोक चव्हाण के तौर पर क्या वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके पहले मिलिंद देवड़ा से लेकर बाबा सिद्दीकी तक कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं और अब एक ऐसे नेता ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया जो कि मुख्यमंत्री तक सूबे का रहा, कांग्रेस का चेहरा वहां पर रहा, बड़ा नेता। तो क्या ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है? आइए सीधे मैं आपको कृष्णा ठाकुर के पास लिए चलता हूं। मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कृष्णा, अशोक चव्हाण का यूं जाना आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या और पता चल पा रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले और राहुल गांधी के न्याय यात्रा से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस को तीन बड़े झटके लग चुके हैं। बीते एक महीने में महाराष्ट्र कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत मिलिंद देवड़ा से हुई, सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद बाबा सिद्दीकी ने दामन छोड़ा कांग्रेस का और आज जो महाराष्ट्र कांग्रेस के सबसे अहम रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं अशोक चव्हाण, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है और ये कहते हुए छोड़ा है कि अभी तक उन्होंने कोई फैसला तो नहीं लिया, लेकिन कयास ही लगाया जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और बीजेपी अगर वो ऐसा करते हैं तो बीजेपी उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेज सकती है। आप ये पूछ रहे थे कि अशोक चव्हाण का पार्टी को छोड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना जो है बड़ा नुकसान है, तो आप इसको इस बात से समझिए कि 2014 में जब आपको याद होगा कि पूरे देश भर में मोदी लहर थी, उस वक्त भी अशोक चव्हाण एकमात्र ऐसे नेता थे जो वो नांदेड़ से चुन के आए थे और वो पार्टी में अपनी अच्छी खासी पैठ रखते हैं। बताया भी जा रहा है कि अशोक चव्हाण के पार्टी छोड़ने से कम कांग्रेस के 10 से 12 विधायक जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं और इसकी शुरुआत भी जो है वो हो सकती है, हो गई है। अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि कांग्रेस के एक पूर्व विधायक हैं अमर राजू कर, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और एक के बाद एक अब ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 कम से कम विधायक उनको छोड़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं और वो अशोक चव्हाण के साथ शामिल हो सकते हैं। हालांकि अशोक चव्हाण आपके पास आगे भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन दर्शकों को बता दें कि दरअसल एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस में बड़ी फूट डल सकती है। बीजेपी बताया जाता है कि ऐसी तैयारी में है। महाराष्ट्र कांग्रेस के 10 से 12 विधायक संपर्क में हैं बीजेपी के, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी से कांग्रेस विधायकों की बातचीत जारी है, तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल वाली खबर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।